हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जैपनीज लाइव एक्शन मूवी द प्रॉमिस नेवरलैंड, जो अडेप्ट करी गई है इसी नाम की एक मांगा सीरीज से। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है 11 साल की बच्ची एमा, जो अपने बिस्तर से उठती है और बाकी बच्चों को उठाने लगती है जो उसी हॉल में सो रहे थे। वो सब बच्चे एक बड़े से ऑर्फनेज में रहते हैं जिसका नाम ग्रेस फील्ड हाउस था। उस ऑर्फनेज में एक औरत उन बच्चों का ध्यान रखती थी जिसका नाम इजाबेल था, जिसे सारे बच्चे मॉम कह के बुलाते थे। उन सारे बच्चों में खून का रिश्ता तो नहीं था, पर वो एक बड़े से परिवार की तरह रहते थे। उस ऑर्फनेज में बच्चों के फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनके मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता था। इस कारण से उन्हें वहाँ अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा दोनों दी जाती थी। उन्हें ऑर्फनेज के अंदर ही पढ़ाया जाता था। एमा और उसके दो बेस्ट फ्रेंड नॉर्मन और रे पढ़ाई में सभी बच्चों में सबसे ज्यादा स्कोर करते थे। उस ऑर्फनेज के हर बच्चों के गर्दन पे एक टैटू भी था जिसमें नंबर लिखा रहता था, और उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ऑर्फनेज एक बड़े से ग्राउंड के बीच में था जो एक फेंस से घिरा हुआ था, और बच्चों को फेंस के उस पार जाने की परमिशन नहीं थी। वहाँ बच्चे जब छोटे रहते तब आते, पर वो वहाँ हमेशा नहीं रुकते। उन्हें फॉस्टर पेरेंट्स द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता, जिससे वो बाहर की दुनिया देख पाते। एक दिन एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम कॉनी था, वो भी ऑर्फनेज से जा रही थी। सारे बच्चे उसके फ्यूचर के लिए उसे विश करते हैं और उसके न्यू पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहते हैं। फिर इजाबेल कॉनी को ऑर्फनेज के मेन गेट के पास ले जाती है। वहीं दूसरी ओर एमा देखती है कि कॉनी अपना फेवरेट डॉल ऑर्फनेज में छोड़ दी थी, तो वो और नॉर्मन गेट की ओर भागते हैं कॉनी को उसका डॉल देने के लिए। गेट के पास पहुंचते ही वो देखते हैं कि इजाबेल और कॉनी जा चुके हैं। उन्हें वहां एक वैन दिखती है। जब वो उस वैन के अंदर देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। कॉनी वैन के अंदर मरी पड़ी रहती है, जिसके पेट में एक प्लांट स्टेप किया हुआ रहता है। उनके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही दो बड़े क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं। नॉर्मन और एमा वैन के नीचे छुप जाते हैं। वो दोनों क्रिएचर्स बात करते हैं, इंसानों का मीट सबसे बेस्ट रहता है। वहीं दूसरा क्रिएचर कहता है, जो मीट इस फार्म से आता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का रहता है, उसे अमीर डीमंस के लिए बचा के रखा जाता है। नॉर्मन और एमा को समझ आ जाता है कि उनका ऑर्फनेज एक फार्म है और वो सब वहाँ एक कैटल की तरह रखे जाते हैं जिन्हें एक दिन डीमंस खा जाएंगे। जो बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते उन्हें गुड मीट से क्लासिफाई किया जाता था। तभी वहाँ इजाबेल आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि जो स्टूडेंट उनके क्लास में बहुत होशियार है उनका मीट हाई डिमांड पे है। इजाबेल उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही है ताकि वो और बेटर टेस्ट करे डीमंस के लिए। वो क्रिएचर्स अगली बार उन होशियार बच्चों में से किसी एक बच्चे को मांगते हैं। इजाबेल हाँ कर देती है। नॉर्मन और एमा फिर वहाँ से भागते हैं, पर रास्ते में एमा गिर जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि उनकी मॉम इवल है और उन्होंने जो बच्ची को देखा वो कॉनी ही है। नॉर्मन एमा को संभालता है और कहता है वो ऑर्फनेज से भाग सकते हैं। एमा को ऑर्फनेज के और बच्चों की फिकर है जो उसके लिए फैमिली की तरह है। अगले दिन नॉर्मन एमा से कहता है कि पहले हम पूरा एस्केप प्लान करते हैं, फिर बाकियों को बताएंगे। और इसके लिए वो ऑर्फनेज के फेंस को पार करके पहली बार जंगल में जाते हैं। वहां उन्हें जंगल के पार करते ही एक बड़ा सा दीवार दिखता है जिसे वो जंप नहीं कर सकते थे। वहीं कुछ देर बाद एक बच्ची नीला खेलते खेलते कहीं खो जाती है। तब एमा और नॉर्मन देखते हैं कि इजाबेल अपने वॉच पे देखती है और उस बच्ची को तुरंत ढूंढ के ले आती है। एमा और नॉर्मन को समझ आ जाता है कि ये वॉच एक ट्रांसमीटर है, जिस वजह से इजाबेल को पता रहता है हमेशा कौन सा बच्चा कहाँ है। उसी दिन एमा दीवार के पास एक रोप लेके जाते हैं, ये सोच के कि वो उसके जरिए दीवार पार करेंगे। पर तभी उनका बेस्ट फ्रेंड रे आ जाता है। रे को उन पे शक था, तभी नॉर्मन रे को सारा सच बता देता है। रे को उन पे यकीन हो जाता है। रे कहता है उन्हें ऑर्फनेज से जल्द भाग जाना चाहिए, पर एमा कहती है उन्हें बाकी बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसी रात इजाबेल बच्चों को उनके नए केयर टेकर क्रोन से मिल पाती है। क्रोन के आने से उनका एस्केप और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है इजाबेल को उस दिन कॉनी का टॉय मिला था वैन के पास, और उसे एमा रे और नॉर्मन पर शक है कि उन्हें ऑर्फनेज के बारे में सब पता है। फिर उसी रात नॉर्मन एमा और रे कहीं छुप के बात करने के लिए रात को निकलते हैं। वहां नॉर्मन कहता है उसे शक है कि बच्चों में कोई इजाबेल का जासूस है और वो कोई बड़ा बच्चा ही होगा। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि ऑर्फनेज के दो बड़े बच्चे डॉन और गिल्डा को ऑर्फनेज का सच बताएंगे। वो दोनों पहले उन पे यकीन नहीं करते, पर थोड़ी देर बाद उन्हें उन पे यकीन हो जाता है। वहां से जाने के बाद नॉर्मन रे और एमा को बताता है कि उसने डॉन और गिल्डा को दो अलग लोकेशन बताया है रोप्स का, जिसके मदद से वो दीवार पे चढ़ने वाले हैं। जिसके लोकेशन का रोप पहले गायब होगा वो स्पाई है। अगले दिन उनमें से एक रोप गायब हो जाता है।
रे और एमा खुश हो जाते हैं कि उन्हें स्पाई का पता चल गया, पर नॉर्मन बताता है वो रोप स्टोरी रे के लिए एक ट्रैप था। उसने रे को फेक लोकेशन बताया था रोप का, ताकि वो पता कर सके कहीं रे तो स्पाई नहीं। रे आखिरकार एडमिट कर लेता है कि वो ही स्पाई है। उसे बहुत पहले से ऑफनेज का सारा सच पता था और उसे ये पहले ही मालूम था कि वो अकेले यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता, इसीलिए वो इजाबेल का जासूस बन गया ताकि उसका एडॉप्शन डे डिले हो सके। वहीं रे बताता है उसने अभी तक इजाबेल को नॉर्मन का पूरा प्लान नहीं बताया है कि वो रोप के जरिए दीवार चढ़ने वाले हैं। रे बताता है वो ये एस्केप बहुत पहले से सोच रहा है, उसी ने कॉनी का वो डॉल चुराया ताकि एमा और नॉर्मन उसे वो डॉल वापस करने जाए और उन्हें ऑर्फनेज का सारा सच पता चल जाए। नॉर्मन को रे पर यकीन हो जाता है और वो रे को डबल स्पाई बना देता है और उसे अपनी टीम में वापस रख लेता है। फिर उसी रात रे इजाबेल को झूठी खबर देता है कि नॉर्मन आपको पॉइजन देना चाहता है और वो वहां से जाने को करता है। तभी इजाबेल रे को बताती है कि अब अगला टर्न उसका है ऑर्फनेज से जाने का। फिर अगले दिन उनका ग्रुप दीवार से कूद के जाने की तैयारी करते हैं, तभी वहां क्रोन आ जाती है, पर इजाबेल को बताने के बदले वो बच्चों के साथ मिल जाती है। वो उनको बताती है कि वो भी एक स्टूडेंट थी, पर अब वो इजाबेल को हटा के यहाँ की न्यू मॉम बनना चाहती है। फिर रात को बच्चे क्रोन के रूम पे जाते हैं जहाँ क्रोन उन्हें सब बता देती है। क्रोन उन्हें बताती है बहुत साल पहले इंसान और डीमंस के बीच वॉर चल रहा था, फिर डीमंस और ह्यूमंस ने एक एग्रीमेंट बनाया कि अब वो एक दूसरे को बॉदर नहीं करेंगे। दुनिया के एक तरफ ह्यूमंस रहेंगे और एक तरफ डीमंस। डीमंस वाले पोर्शन पे कुछ ह्यूमंस छूट गए और वहीं से ह्यूमन ब्रीडिंग फार्म की शुरुआत हुई। इंसानों का दिमाग खाने से डीमंस को सोचने की ताकत मिलती है, जिस कारण से वो माइंडलेस मॉन्स्टर बनने से बच जाते हैं। अब इससे ह्यूमंस का भी फायदा हो जाता है, क्योंकि कुछ ह्यूमंस के फार्म में सेक्रीफाइस करने से बाकी ह्यूमंस पीसफुली रह सकते हैं। अगले दिन इजाबेल क्रोन को वहां से फायर कर देती है, क्योंकि किसी तरह इजाबेल को क्रोन के मोटिव्स के बारे में पता चल जाता है। जाते वक्त गेट पे क्रोन को उनकी सुपरवाइजर ग्रैंड मदर दिखती है, जो कि एक डीमन के साथ खड़ी रहती है, और वो डीमन क्रोन को खा जाता है। अब वो सब अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। नॉर्मन एमा दीवार के पास जाते हैं, वहीं रे इजाबेल का ध्यान भटकाता है और बाकी दो उन पे नजर रखते हैं, पर उनका प्लान फेल हो जाता है जब इजाबेल रे को रूम में बंद करके एमा और नॉर्मन के पास जाने को करती है। फिर इजाबेल उनको बताती है कि उन्हें भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एमा इजाबेल को पकड़ने को करती है और नॉर्मन को वहां से भागने को कहती है। तभी इजाबेल एमा का पांव तोड़ देती है और नॉर्मन को बताती है उसे अडॉप्ट कर लिया गया है और कल उसका ऑर्फनेज पे लास्ट डे है। फिर रात को तीनों मिलके बात करते हैं, जहां नॉर्मन उन्हें समझाता है कि अगर उसके मरने से वो सब सेफ रहेंगे तो उसे वो मंजूर है। फिर नॉर्मन को एक पेन मिलता है जो क्रोन ने वहां रखा था उनके हेल्प के लिए। फिर अगले दिन नॉर्मन दीवार को चढ़ता है उसी रोप के जरिए जो उन लोगों ने छुपाया था, पर वो देखता है दीवार के उस पार एक गहरी खाई है जिसे वो पार नहीं कर सकते थे। वो ऑर्फनेज में वापस आ जाता है और अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। उनका ग्रुप लास्ट टाइम एक दूसरे को हग करता है। फिर जब नॉर्मन रात को जाते रहता है, एमा दुखी होकर काफी रोती है। ऑर्फनेज के गेट पे इस बार एक आदमी आता है जो कहता है कि वो ध्यान रखता है कि दोनों दुनिया में सब चीज बैलेंस्ड है या नहीं। तभी वहां एक डीमन आ जाता है और सीन कट हो जाता है। फिर कुछ मंथ्स तक एमा काफी डिप्रेस्ड रहती है। ऐसे लग रहा था एमा और रे ने सारी होप्स छोड़ दी है। उन्हें देख के इजाबेल काफी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था उन लोगों ने हार मान ली है। 2 महीने बाद अब रे की बारी आ जाती है ऑर्फनेज से जाने की। रे के डेट से एक दिन पहले एमा आती है रे से मिलने और वो उसको बताती है उनके पास अभी भी एक चांस है, बट रे बताता है कि वो अपने साथ इस घर को आग लगा लेगा ताकि वो सारे बच्चे वहां से भग पाए। जैसे ही आग लगती है एमा चिल्ला के इजाबेल को बुला लेती है। फिर इजाबेल बच्चों को घर से बाहर भेजती है और आग को बुझाने की कोशिश करती है। फिर उसे एहसास होता है कि कोई भी बच्चा ऑर्फनेज के आसपास नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब उनका प्लान था। एमा इजाबेल के कारण कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए डॉन और गिल्डा सारे बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। एमा को एक लेटर और एक पेन मिला था उसके बेड पे, जो उसके लिए नॉर्मन ने छोड़ा था, जिसके अंदर सारा प्लान था। उन्होंने छोटे बच्चों को वहीं छोड़ने का प्लान किया और ये प्रॉमिस किया कि वो और मदद लेके उन्हें बचाने जरूर आएंगे। अब सारे बच्चे दीवार चढ़ रहे थे, वहीं इजाबेल नेविगेटर को देखती है तो उसे उनका लोकेशन नहीं पता चलता, क्योंकि बच्चों ने अपने कान से वो नेविगेटर डिवाइस निकाल लिया था। आखिर में सारे बच्चे दीवार के ऊपर से एक और रस्सी बांध के वो गहरी खाई को पार कर लेते हैं। आखिर में जब एमा पार कर रही होती उस वक्त इजाबेल वहां आ जाती है,
वो रोप्स को काटने की धमकी देती है, पर एमा हंसते हुए कहती है, मुझे पता है आप ऐसा नहीं करोगे मॉम, और वो सायोनारा कह के उस पार चले जाती है। जंगल में एमा जैसे ही पेन को ओपन करती है, उससे एक आउल का रिफ्लेक्शन निकलता है जो उन्हें एक रास्ता दिखाता है। वहीं दूसरी ओर इजाबेल को दिखाया जाता है जिसे एक डीमन को खिला दिया जाता है पनिशमेंट के रूप में, क्योंकि वो बच्चों को नहीं संभाल पाई। सो ये थी मूवी द प्रॉमिस नेवरलैंड। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब एंजॉय कीजिए ये छोटा सा रैप। खुश होकर थे एक दूसरे से बहुत ही प्यार, उठते ही हंसता हुआ देखे चेहरा अनाथों के पास, पिता परिवार खेले थे साथ, भगे थे साथ, लुका छुपी में था एक उस्ताद, नॉमन था नाम, तेज दिमाग, एमा और रे भी थे उसके साथ, तीनों थे काफी होशियार, तीनों को बच्चों से बहुत ही प्यार, तीनों को पता चला एक राज, ये घर है इंसान उगाने का फार्म, तीनों को भगना था अब इस घर से, दीवारों से घिरा हुआ था घर, ये कानों में लगा हुआ था ट्रैकर, हर पर रहते थे इसी डर में कि भगे तो कैसे, बच्चे तो कैसे, ऊंची दीवारें साथ है बच्चे, नॉमन ने कर दिया खुद को कुर्बान, पर जाते जाते हमें दे दिया ज्ञान, अब भगने की पूरी है अपनी तैयारी, रुकना नहीं है हमें इस बारी, अलविदा घर अलविदा मॉम, कूदी दीवार, नौविया गॉन दीवार के पार, खतरे नए हैं हम भी तैयार, डरना नहीं है अब की बार, होना जो होगा आर या पार, परिवार जब तक साथ, हाथों पे होगा एक दूजे का हाथ, लड़ेंगे साथ, भगेंगे साथ, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, मरेंगे साथ।